तक जम करके बारिश हुई है। बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि दिन भर उमस और गर्मी के बाद बारिश के चलते राहत जरूर मिली है, लेकिन डेढ़ घंटे की बारिश में ही सभी इंतजामों की पोल खुल गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर कैसे पानी भर गया और वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कोटा में जम करके बारिश हुई है, सड़कों पर जलजमाव की स्थिति भी देखने को मिली है और यहां पर लोगों को काफी परेशानी होती हुई दिखी। तो एक तरफ तो गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कैसे सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। अलवर जिले के टाला क्षेत्र के डेरा बाछड़ी, जयसिंहपुरा, बावनवास, चौगान, जुमेटा आदि गांवों में बुधवार दोपहर को एक घंटे तक तेज बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नालों जोड़ों में पानी की अच्छी आवक हुई है। तेज बारिश के चलते डेरा में पुलिया के पास बना एनीकट जो है वो छलक गया। डेरा गांव में तेज बारिश के चलते पहाड़ से आया पानी खेतों में होता हुआ ओवरफ्लो होकर के महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से खिड़कियों से होता हुआ स्टाफ रूम में आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह पानी स्कूल परिसर से होता हुआ बाहर सड़क की ओर बहता रहा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। कैसे आप देखिए कि स्कूल के स्टाफ जो है कक्ष, उसमें किस हिसाब से जो पानी का जलभराव है वो बढ़ता गया। यहाँ पर कुछ शिक्षक भी आपको नजर आ रहे हैं जो देखिए यहीं पर बैठे हुए हैं और ये पानी स्कूल परिसर के स्टाफ रूम में घुस गया। उसके बाद से यहीं से वो बाहर की तरफ निकलता हुआ पानी भी दिखा है। काफ़ी परेशानी भी लोगों को हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो बारिश हो रही है तो गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन यहाँ अलवर की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक स्कूल की तस्वीर जहाँ पर स्कूल के स्टाफ रूम में पानी घुस गया। महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसी के स्टाफ रूम में खिड़कियों से पानी जो है वो स्टाफ रूम तक पहुँच गया। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को झमाझम बारिश को लेकर के राहत भरी खबर। आपको बता दें कि कई जिलों में मॉनसून की पहली बारिश से जो है अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन सड़कें जो है वो दरिया बन गई हैं। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भरतपुर में तेज बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर करीब 2 इंच तक पानी भर गया। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों का सामान भीग गया। मॉनसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दांव की पोल खोल दी। नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर भी पानी भर गया है। अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। उधर धौलपुर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को जहां राहत मिली तो किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं शहर की सड़कें दरिया बन गई, निचले इलाकों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो झीलों की नगरी उदयपुर में भी इंद्रदेव जब मेहरबान हुए, सुबह से गर्मी की तेज तपिश के बाद दोपहर बाद मौसम ने अचानक से करवट बदली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के साथ ही लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। इसके साथ ही झीलों की नगरी उदयपुर का मौसम भी बेहद सुहाना हो गया है। उधर करौली में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को जमकर भिगोया। दोपहर बाद घने बादल छा गए और तेज हवा और मेघ गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी मेघ गर्जना और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी दी थी। जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला, तो वहीं डीडवाना की सड़कों पर जलभराव हो गया। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। कई लोग पानी के तेज बहाव में गिर पड़े, सड़कें समंदर बन गई। फवारा सर्किल, गोपाल गौशाला रोड, बस स्टैंड, नागौरी गेट इलाके में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तो वहीं झुंझुनू के गुढ़ा कस्बे में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक
झमाझम बारिश हुई है। गुढ़ा कस्बे की सड़कें पानी से इस दौरान लबालब हो गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून से लगातार 3 दिन दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। उदयपुर कोटा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य बारिश दर्ज करने की संभावनाएं जताई है। उम्मीद है कि प्रदेश में इस बार मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।